वामपंथी किसान संगठनों की ओर से सोमवार को आहूत भारत बंद का बहुत अधिक असर बंगाल में नहीं पड़ा है। हालांकि सुबह से ही राजधानी कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, बर्धवान और आसनसोल के क्षेत्र में वामपंथी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सोमवार सुबह वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बर्धवान काटवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेनों के आवागमन को बाधित किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित जरूर हुई, लेकिन बहुत अधिक असर नहीं रहा। इसके अलावा आसनसोल बस स्टैंड पर सुबह से ही वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से बसें सड़कों पर नहीं उतर सकी। उत्तर 24 परगना के सोदपुर में भी सड़कों पर माकपा के कार्यकर्ता बैठ गए थे, जिससे यातायात बाधित रहा। दक्षिण 24 परगना के गोपालपुर और मथुरापुर में भी वामपंथी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हावड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी माकपा कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की, हालांकि बहुत अधिक सफल नहीं रहे। कोलकाता में वाम मोर्चा के नेताओं की रैली सुबह 11 बजे से ही जारी है। कोलकाता के हाजरा में SUCI समर्थकों ने भी बंद का समर्थन किया है और बंद के समर्थन में जुलूस निकाले। वामपंथी दलों के समर्थकों ने बर्धवान के काटवा रोड को करीब 40 मिनट तक जाम कर दिया। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। वामपंथी संगठनों और वामपंथी राजनीतिक दलों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए प्रतिबंध का समर्थन किया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए उन्होंने कई सड़कों पर मार्च किया, जिलों में बसों को रोकने की कोशिश की और रेल लाइन के सामने प्रदर्शन किया। कोलकाता में सॉल्ट लेक सहित कई इलाकों में वामपंथी समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। वहीं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि विधान सरणी की तस्वीर है, जहां श्याम बाजार में SUCI के करीब 200 सदस्य जुलूस में शामिल हुए और नेताजी की प्रतिमा के पैर की परिक्रमा की और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड पे जाकर ये जुलूस जो है वो समाप्त हुआ। वहीं श्याम बाजार के एक नंबर मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने विक्षोभकारियों ने प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें, भारत बंद को लेकर कोलकाता के कई जगहों पर रैली की गई है। इससे BT रोड, काशीपुर, चिड़िया मोड़ अंचल में बस सेवा थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुई, दुकान पाट खुली दिखी। বলবেন আজকের বন্ধ সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়েছে। এই পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে কলকাতা শহরে শারদীয় দুর্গোৎসবের আগে এবং আজকে সপ্তাহের প্রথম দিন যেভাবে রাস্তার চারিদিকে এখন 10:30 পেরিয়ে গেছে, দোকানপাট বন্ধ হয়ে রয়েছে, যে সামান্যতম যানবাহনের অংশ সরকারি হস্তক্ষেপে চলছে, প্রশাসন চালু রাখবে বলে, তাতেও জনগণ দেখছে এবং আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ সেখানে লোকজন নেই, অত্যন্ত 4% 5% লোক সেখানে বসেনি। ফলে এই বন্ধ যে জনসাধারণ ভীষণভাবে সমর্থন করছে এবং এটা বুঝতে পেরেছে যে কৃষকদের আন্দোলন শুধু এটা না, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকা বন্ধ শুধু এটা না, ভারতবর্ষের এই অন্নদাতাদের আন্দোলন এবং বিদ্যুৎ বিলের সংশোধনের বিরুদ্ধে এবং তিনটি কালা কানুনের বিরুদ্ধে, কৃষি আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তাদের সমস্ত জনগণ কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে সেটা বুঝতে পেরেছেন, তাকে সমর্থন করছেন। আমরা মোদি সরকারকে বলবো, কানে তালা লাগিয়ে না থেকে জনসাধারণের এই সারাকে সম্মান যদি জানাতে হয়, কৃষকদের যদি সম্মান জানাতে হয়, দেশের শ্রমিক মজদুরদের যদি সম্মান জানাতে হয়, তাহলে অবিলম্বে কৃষকদের দাবি মেনে তারা এই আইনকে প্রত্যাহার করুন এবং সংশোধনী বিদ্যুৎ বিলকে আপনারা প্রত্যাহার করুন। আমরা এসোসিয়েট দল কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে যতদিন পর্যন্ত এই লড়াই আন্দোলন